साहिबा ने हमेशा अपनी बहन के ही नक्शे कदम पर चली है, और अरीज कोई अपनी सौतेली माँ के यहाँ आराम करने तो आई नहीं है। अलहदगी हो गई है इसकी, मियाँ से अलग हो गई है, छोड़ दिया उसे। अगर ना छोड़ा होता तो यहाँ नजर आ रहा होता ना, है यहाँ नहीं ना। और आपको पता है पहले ना इसकी इसके जेठ से शादी हुई हुई थी। मैं तो खुद इन लोगों में फंस के रह गई हूँ, ऐसी खुद सर और तमीज लड़की के साथ उसका कैसे गुजारा होगा। अम्मी पिक्चर्स देखी हैं आपने, बहुत अच्छी आई हैं। क्या बात है अम्मी? हाँ आप इतनी खामोश क्यों हैं, और वहां भी चुप चुप थी? ज़ियाद बेटे मुझे गलत मत समझना, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमने बहुत जल्दबाजी कर दी है? क्यों, ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मी आप? साहिबा की बहन तलाक की नहज पर है, वो भी दूसरी, जब उनके अपने खानदान वालों का तासुर उन पे अच्छा नहीं है तो सोचो बाहर वाले क्या सोचते होंगे उनके बारे में। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप, किसने कह दिया ये सब आपसे? क्या फर्क पड़ता है कि किसने मुझसे क्या कहा है? आपको अरीज या साहिबा को देखकर लगता है कि वो बदकरदार होंगी? बेटे लोगों की असलियत उनके चेहरों से जाहिर नहीं होती, तुम भी ये बात जितना जल्दी समझ सकते हो समझ जाओ। वो लड़की कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अपने खानदान की परछाई से बचना आसान काम नहीं है। ज़ियाद मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अब अम्मी